दोस्तों, अभी आप जिस भी डिवाइस का यूज कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या फिर टैबलेट, या फिर आपका स्मार्टफोन, किसी में भी आप सेम प्रोसेस से इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना, या फिर आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर हो उसको आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर जो आपको टाइप करना है, सेतु, इस तरीके से सेतु आपको टाइप कर देना। तो जैसे आप इसको सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट में जो आपको एक लिंक दिख रहा है, इसी लिंक के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कर देते हैं, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आप जो इजी वे में सही वेबसाइट पर पहुँच सको। तो स्टेप दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, ये स्टेप हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इसी स्टेप के थ्रू से आपको आना है, ताकि आपका समय जो है बच सके। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिख रहा है रजिस्टर योर सेल्फ एंड सर्च बेनिफिशरी, तो जस्ट इसके ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड के ऊपर में क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ऑलमोस्ट जितना भी स्टेट है सभी यहाँ पे कवर किया गया है। और यहाँ पे आपको जो है जो भी आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा स्टेट बिहार है, तो बिहार हम सिलेक्ट कर लिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ईमेल आईडी टाइप करना है, आपका नेम टाइप करना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में जो डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे में देखिए, यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएट, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, लॉगिन बटन के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन बटन के ऊपर में क्लिक कर देते हो, यहाँ पे जो सेल्फ यूजर आपको दिखाई दे रहा है, सेल्फ यूजर आपको सेलेक्ट करना है। सेल्फ यूजर सेलेक्ट करने के बाद जो भी नंबर आप यूज किए वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे साइन इन बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। साइन इन बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर, आपको साइन इन बटन के ऊपर में एक क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, अगला इंटरफेस आपके सामने में कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपको सारा डिटेल जो है वो आपको दिख जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। जैसे आप आधार कार्ड अपना टाइप कर देते हैं, यहाँ पे आपको जो है ई केवाईसी कंप्लीट करवाना पड़ेगा। इस ई केवाईसी को कंप्लीट करवाने के लिए आप यदि अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तब जाकर के आप ओटीपी बेस अगर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में ओटीपी जाएगा, उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं करा हुआ, तो फिर आपको यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस आपको अपने कंप्यूटर में यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप करने के बाद गेट ओटीपी के ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना। जैसे गेट ओटीपी के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, एक ओटीपी आपके मोबाइल फ़ोन में जाएगा। ओटीपी पहुँचने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आप आईडी बनाना चाहते हो तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ताकि एक बार में नहीं हो तो आप दो तीन बार भी ट्राई कर सकते हो, तब जा करके ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ओटीपी जो है आ चुका है हमारे मोबाइल फ़ोन में, तो यहाँ पे ओटीपी आपको एंटर करके और फिर यहाँ पे जो वेरीफाई बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं आपको एक क्लिक करना। दोस्तों अगला इंटरफेस इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसमें कि आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा दिखाई दे रहा है। वो यहाँ पे टाइप करने के बाद फाइनली सबमिट के ऊपर में आपको क्लिक कर देना। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर में फाइनली क्लिक कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है यूजर ईकेवाईसी हैज़ बीन सक्सेसफुल्ली अपडेट। अब आप यहाँ पे वापस आपको लॉगिन वाला ऑप्शन में आ जाना है, सेल्फ के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन बटन के ऊपर में क्लिक करके आपको यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको एंटर करने के बाद फिर से साइन इन कर लेना है। सामने में काफ़ी सारा ऑप्शन दिख जाएगा, ये जो थ्री लाइन दिख रहा है इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप थ्री लाइन के ऊपर में क्लिक कर देते हो, यहाँ पे पीएमजी एसईसी जो दिखाई दे रहा है जस्ट इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे आपके जो है तीन ऑप्शन से सर्च कर सकते हो, नाम वाइज सर्च कर सकते हो, HHD वाइज सर्च कर सकते हो, जो राशन कार्ड के नीचे में नंबर होता है। तो अगर आपके पास में लेटर रहता है, लेटर पर जो नाम रहता है वो भी आपका जो है HHD ID होता है। इसमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना, मतलब इसका कार्ड नहीं बनाओ। अगर इसका कार्ड बनाना चाहते हो तो व्यू के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। व्यू के ऊपर में जैसे आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आप जो है आपका जो है यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है गेट डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप गेट डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे नीचे में आपको नाम दिख जाएगा, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। में क्लिक कर देना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर में जैसे आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में यदि आप नाम वगैरह कुछ चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर लिंक करा हुआ तो आपको OTP सेलेक्ट कर लेना है, तब आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस कार्ड को बना सकते हो। यहाँ पे आई एग्री के ऊपर में क्लिक करके, नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करके आप इस कार्ड को जनरेट कर सकते हो।
दोस्तों इस ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन आपको बताया कि किस तरीके से आप बना सकते हो, दूसरा जो इम्पोर्टेड ऑप्शन है, यदि किसी का कार्ड बना हुआ है उसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो इसी ऑप्शन में आकर के आपको डाउनलोड कार्ड के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड कार्ड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड आयुष्मान कार्ड दिख रहा है, इसके ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आई हैव आधार इसके ऊपर में सेलेक्ट कर लेना, आधार नंबर टैप कर देना है। यदि आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो जो जिसका भी आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, अगर उसका कार्ड बना हुआ है तो उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा होना रहना चाहिए, तब जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। गेट ओटीपी के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, उसके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक करा हुआ है वो नंबर पे ओटीपी जाएगा और आप यहाँ पे जो डाउनलोड बटन दिख जाएगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपके पास में लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आपके पास में कोई भी एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि मोरफो मंत्रा कोई भी है, उसको आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में लगा दीजिएगा, फिंगर के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, फिंगर लगाने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप केवाईसी करके कस्टमर का प्रिंट निकाल करके दे सकते हो। तो ये प्रोसेस है, इसमें आप बिल्कुल आसान तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक रुपए लगे आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो और आप अपने अगल बगल यदि आप काम करना चाहो तो इसमें आप काम भी कर सकते हो।